जी हम इस वक्त मौजूद हैं बनभोसन पे, जहाँ पे एक काफिला मुल्तान की तरफ से जा रहा है। जी आज रैली किन साहब की क्यादत में जा रही है? ये जा रही है वसीम खान की मशीर अला बनने पर, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं नांगशाह चौक पर, जहां पर मेजर तारिक खान की क्यादत में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि वजीर आला के मुशीर वसीम खान बादजोई के इस्तकबाल के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। आइए इस हवाले से जानते हैं मेजर साहब से। मेजर साहब आप बताइए कि आप उनके इस्तकबाल के लिए कितने पुरजोश हैं यहाँ पर? देखें जी, बैरिस्टर वसीम खान एक इंतहाई नफीस और बड़ा पुरएतमाद सियासतदान है और उसने अपने हलके 213 की बहुत खिदमत की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मे गफीर है उसके इस्तकबाल के लिए। वो एक शानदार इंसान, शानदार भाई, शानदार दोस्त है, तो उनके इस्तकबाल के लिए इसलिए आना ज़रूरी था। और लोग ये नहीं कि अभी इस हलके से आए हैं, उसके पुराने मौरूसी हलके से भी आए हैं और ये कम अज़ कम हज़ारों का मजमा है और मैं देख कर बहुत खुश हूँ। अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। जी अभी थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं, उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। जी आप उनके इस्तकबाल पर कितने पुरजोश हैं? जी बहुत खुश हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह अच्छा होगा जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके लिए बहुत इस्तकबाल करेंगे। बहुत आवाम आई हुई है इधर हमारे, उनके हल्के की आई हुई है, पीछे से भी उनका 198 था, UC 62 से आई हुई है, हर आवाम इधर आई हुई है उनके इस्तकबाल के लिए। उम्मीद करते हैं कि वो आगे और भी कामयाबियाँ करें, उनकी मोहब्बत है, हमें ये सारी मोहब्बत लेके आई है बस। देखें जी, खान साहब की शख्सियत जो है ना मिलनसार है, हम सारे उनके जोश और जज्बे की दाद देते हैं और उन्होंने हमारे हल्के 213 के लिए और UC 62 के लिए बहुत वर्क, अच्छा वर्क किया है और मेन अपनी पार्टी के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया, उसके नतीजे में उनको वजीर आला का मुशीर बनाया गया है और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि वो अपने हल्के की आवाम के लिए भरपूर जितनी खिदमत हासिल कर सकते हैं वो करेंगे।